यही है भैया, नाली के पानी आवत हो, जब कभी आए तो नाली के पानी आए और अच्छा पानी नहीं मिल सकता है। पहली बात तो आवत नहीं, जो कभी आए, पहले तो रात में भी गंदा गंदा मिल भी जात रहा, अब तो बिल्कुल नहीं मिलत है, बिल्कुल आगे वालों का मौज है, रोड से सब पानी भर भर के लावत है। जब पीछे रहते तो पानी तो नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब आएंगे तो कहेंगे कि आगे वालों से तुम सबको मतलब है, यहाँ वालों से कोई मतलब नहीं है, जाओ वोट ले जाके और क्या, हम कहाँ से दे देंगे जब हमें कोई चीज का सुविधा नहीं है, है? सुविधा होगी जब, जभी तो नेता को जिताएंगे, जब हमें कुछ मिलता ही नहीं है, सब चीज का तकलीफ उठाने पैरों से चला नहीं जाता। अगर कभी नहाना हुआ, सिर धोना हुआ, तो बाहर से इतनी इतनी बड़ी बाल्टी लेकर आते हैं पानी का, हम पानी ढोने लायक का है? है भैया, ये नाली टूट जाए, अच्छी बना दो, जो की पड़ रही है रह रही है, तो उठा दो ही नहीं, जीतते हो बैठते हो सीट भी, आप भी गंदी से बचते, हमें भी बचा के चलो, हमसे जीतते हो, हमसे बैठते हो, मक्खन लगा के हम लोग गंदगी में पड़े, आप एहसास नहीं कर सकते इस बात का? नेता बनते किस लिए बने हो आप? अपने साफ सफाई हमें तो कीचड़ समझते, हमें उठते हो फिर कीचड़ में से जाते हो। कौन सी जगह है पहले मुझे बताएं? अरे जगह तो यही है, कॉलोनी 133 नंबर है ये, के ब्लॉक जयगीरपुरी। हम लोग क्या करे, 10,000 मान लो तो सैलरी मिल रही है, और इस तरह सब्जी इतनी महंगी, हम लोग को ना कोई 1,000 रुपए महीना ना कुछ, हम लोग क्या करे बताओ, घर में कैसे? अरे अब सफाई तो जो होती है वो नाली निकालने वाले आते, कंप्लेन करो, जब नहीं निकालते तो हम लोग कंप्लेन करते, नंबर 1 किसका दे गए थे पिछली बार, अभी उस दिन कंप्लेन किया तो आए सफाई करके गए। उसके बाद भाई पार्षद है, विधायक है, वो आते हैं यहाँ पे? नहीं, अरे जब जाइए इलेक्शन होता तब सब सारे लोग वोट के लिए आते हैं, उसके बाद जब वोट हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता जांच करने, कहाँ मर रहा है लोग, कहाँ मिट्टी के वो हो रहा है। क्या करेंगे इस बार, आएंगे तो? इस बार भी तो आएंगे, आने वाला चुनाव तो चुनाव आएगा, वही तो हम लोग बोलते हैं, चुनाव हुआ तो आए हो, जहाँ इलेक्शन होगा उसके बाद फिर नहीं आते, झांकने आते हो, मर रहा है कि लोग जी रहे हैं यहाँ, भाई इलेक्शन है तो जांच होते, उसके बाद नहीं कोई देखने आता झुग्गियों में परेशानी आप। अरे भैया हमें तो गंदगी से, पानी से, सब चीज से परेशानी, पानी आता ही नहीं हमारे यहाँ, हाँ तो 5 साल होगा पानी नहीं, हम लोग खाना बनाने पाते हैं, पीने के लिए खाना बनाने के लिए मोल के पीते हैं, बगल में गंदगी है इतना कि डेंगू मच्छर, रोज हमारे बच्चे बीमार रहते, हम बीमार रहते, रोज इलाज कराते कराते परेशान है, प्राइवेट इलाज करा ही नहीं पाते, सरकारी में जाते हैं क्या करें, पैसे नहीं है, हाँ तो मरीज तो जाएंगे डेंगू से नहीं, और सरकार से खुश नहीं है क्या? सरकार से क्या खुश, तो हमेशा रहते हैं, खुश नहीं होते तो सरकार बनती कहाँ से है सब? अब का अभी अभी भी बन जाएंगे फिर भी खुश रहेंगे, नहीं बनेंगे फिर भी खुश रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अपन तब भी खुश रहेंगे, क्या खुश रहेंगे? आप जैसे आप आए हो इस समय इंक्वायरी कर रहे हो, दोबारा जब खुश हो जाएंगे तो अपने घर चले जाओगे, फिर हम लोग फिर ऐसे बैठे रहेंगे, हम यही तो होगा। तो विधायक है, निगम पार्षद है, वो आते हैं कभी? अरे भैया जब इलेक्शन होता तब आते हैं, अब आएंगे, अब इलेक्शन है क्या करेंगे, हाथ पाँव जोड़ेंगे, हम भी कह देंगे हाँ भैया ठीक है, वोट दे देंगे, फिर अपने घर खुश हो जाएंगे, वो यही तो होगा, वोट उन्हीं को देंगे, मतलब काम नहीं करेंगे तो? अरे भैया जितने आते हैं यही सब कहते हैं, हमारा तो काम ही है, आप कहे आपको कहा करेंगे, उनके उनके कहा करेंगे, सरकार तो जनता किसी न किसी को तो बनना ही है, दो माँ एक है तो कोई तो बनेगा, यही होगा।